बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये सऊदुल्लाह हमारे पास आए, ये सीपी चार्ट, और इसको सीपी था सेरेब्रल पाल्सी, मतलब ये कि ये कभी कभी ये बीमारी तो इस तरह होती है कि ये बीमारी कभी कभी बच्चे को जॉइंटस हो जाती है, जिसकी वजह से उसका बिलिरुबिन लेवल हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर बच्चे का सेरेब्रल पार्ट ऑफ ब्रेन जो है उसमें एट्रोफी हो जाती है, यानी वो सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की जो है मोटर नर्वस सिस्टम और ये जितना भी मसल्स वगैरह हैं ये उसके जो है ना, फिर वो बच्चा अपनी उम्र से ज़रा कम और लेट होता है। लेकिन ये कि इस सीपी का जब हम इस पर रिसर्च कर रहे थे तो जब हमने सीपी के पेशेंट लेने शुरू किए तो बहुत अच्छे इसमें रिजल्ट आया और हमारे सीपी के पेशेंट जो है ना सारे ठीक होने शुरू हो गए। ये बच्चा भी सीपी का था, माशाल्लाह आप देखो ये बिल्कुल माशाल्लाह अभी अपने आप को हैंडल कर सकता है और काफ़ी जो है ना ये इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है, तो इसलिए ये भी अपने आप को संभाल सकता है। तो इसलिए सीपी चाइल्ड जितने भी हैं उनका हमारे पास ट्रीटमेंट जो है ना वो बिल्कुल काबिल यकीन है, और ये आप लोगों के सामने ये क्लिनिकल डॉक्यूमेंट्रीज वक्त वक्त पर हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि कहीं सीपी का बच्चा हो वो इलाज से रह न जाए। इस पर ख़र्चा भी इतना नहीं है, और वही 1500 रुपए की महीने की दवाई होती है और ये 8-10 माह साल जो है ना दवाई चलती है और पेशेंट बच्चा जो है ना वो माजूर होने से बच जाता है, ठीक हो जाता है। ये इन बच्चे का बाप है सऊदुल्लाह का, तो इनसे आप बात करें। ये हमारे चचा का बेटा है। चचा का बेटा है, भतीजा है ये आपका, भतीजा है, भतीजा आप अंकल है इसके, ये इसके अंकल है सऊदुल्लाह के, तो इनसे बात करें कैसा है। आप मुतमईन है ना? जी मुतमईन है। अभी इसमें काफी फर्क आ गया है, पहले तो ये काफी जो है ना कमजोर था और कला भी नहीं, उसे चल भी नहीं सकता था, काफी इसमें प्रॉब्लम्स थे, अभी माशाल्लाह ये अपने आप को संभाल सकता है। तो पुख्तू के पुख्तू में भी आप बता सकते हैं। नदे उस माशाल्लाह पकड़ किम के नहीं आवा पखपला उल्ले दे पतिया जवाया हुजूर हुजूर मख के न शो के नास्ते उस की नहीं पकड़ के आवा उस दे से पखपला ले गुटे गिरजी गिरजी ये नहीं हो जे उन्हें से जो गिरजी। तो माशाल्लाह ये बच्चा अब बैठ सकता है, जिस तरह ये बच्चे के अंकल ने आप लोगों को बताया, पुश्तों में भी बताया, उर्दू में भी बताया कि अभी बैठ भी सकता है और चल भी सकता है और ये अभी अपने आप को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसका इलाज हमने 18/1/18 को शुरू, यानी जनवरी में शुरू किया और अभी ये 12वां महीना है, तो एक साल इसका इलाज चला है। माशाल्लाह इसमें इतनी बड़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है कि बच्चा अब बोल भी सकता है, सुन भी सकता है, चल भी सकता है, बैठ भी सकता है और अपने आप को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। वस्सलाम, थैंक यू।